गुजरात में चुनावी बिगुल फूक चुका है, जिसके चलते चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो चुका है, या फिर यूं कहें कि मोदी ने गुजरात को एक और नई सौगात दी है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गुजरात में शुरू हुई रोरो फेरी सर्विस की। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी ने रोरो फेरी सर्विस के पहले फेज को हरी झंडी दिखाते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। ये सर्विस गोगा से लेकर दहेज के बीच चलेगी और इसकी लागत 614 करोड़ रुपए आई है। दरअसल लोगों को गोगा और दहेज के बीच सफर करने के लिए घूमकर जाना पड़ता था, जिससे पूरा सफर 360 किलोमीटर का हो जाता था और इसे पूरा करने में 8 घंटे का वक्त लगता था। जिसे देखते हुए 2012 में खुद गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ने अपने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी। अब फेरी सर्विस से न सिर्फ 360 की दूरी 31 किलोमीटर में सिमट गई है, बल्कि 8 घंटे का सफर 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस सर्विस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर भारी सामानों को पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें जहाजों को इस तरह से तैयार किया गया है कि कारों, ट्रकों, सेमी ट्रेलर ट्रकों, ट्रेलर्स और अन्य चीजों को आसानी से लादा जा सके। तो पीएम मोदी ने तो गुजरात की जनता को रोरो फेरी सर्विस की सौगात तो दे दी है, लेकिन अब सूबे की जनता बीजेपी के खाते में दिल खोलकर वोट डालेगी या नहीं, ये तो गुजरात के नतीजे ही बयां कर पाएंगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।